मतलब 3-4 साल तोड़े भाई मैंने फूल। हाँ। यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ और फिर अपने मेरे को पिकअप ऐसे शक्तिमान अपने कपड़े बदलता ना सुबह 4 बजे। गिरीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो आज मम्मी और मैं खाने लगे हैं कुछ बाहर का और मैं करने जा रहा हूँ चीट तगड़े वाली। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आज क्या खाओगे आप? तो मम्मी कह रही कि देख ले तू, खाना तो घर में रोटी बना ही देती हूँ, तूने डाइट करनी है। मैं कहा नहीं, चलो मैं डाइट नहीं कर रहा हूँ आज, तो बताइए क्या करना है। तो मम्मी कह रही चलो फिर चलते हैं बाहर खाने पीने। मैंने कहा हम पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं बाहर जाके। तो मम्मी कह रही नहीं घर में ही ले आ। मैं कहा नहीं बाहर जाके खाते हैं। तो अभी ये डिसाइड हुआ कि मम्मी और मैं बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगे हैं, तो वहाँ पे एंजॉय करेंगे और फिर घर में आके थोड़ा बहुत इन्होंने काम काज भी करना है। चले मम्मी। हाँ, चल। तैयार हो? तिंगार, बर्गर पिज़्ज़ा खाना है, नूडल पाव भाजी बड़ा पाव ये ऐसी चीजें खानी है, वहाँ जाकर देखते हैं। चल वहाँ जाकर अभी डिसाइड कर लो ना, फिर उधर ही रोकूंगा मैं। जहाँ से उस दिन हमने बाहर खाया वहाँ पर जाके देखते हैं क्या है वहाँ पर। नूडल वाला बर्गर खाना है, देखते हैं। फलों का छोटा हाथी दिख गया मेरे को, छोटे हाथी पे इन्होंने फल रखे हुए थे तो यहाँ से फल ले लिए हैं। एक साइड हेल्दी फ्रूट्स पड़े हैं ये देखिए, और दूसरी साइड हम खाने लगे पिज्जा। तो दोस्तों हमारे बर्गर आ गए हैं। सॉरी मैं आपके मुंह में पानी लेके आ रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मैं भी बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ, मम्मी भी बहुत दिनों के बाद खा रही हैं। आपने देखा मैं पिछली बार भी घर में आया था नहीं खाया था इन्होंने। तो पिज्ज़ा भी आ गया है, बर्गर भी आ गया है और पसंदीदा फेवरेट मम्मी का बर्गर, यहाँ का बर्गर मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिनटों में सवा चट कर दिया है। इतने दिन बाद बाहर का खाना खा के कैसा लगा आपको? बहुत बेकार लगा। क्यों? तब तो बड़ा खुश हो खा रही थी। नहीं नहीं अच्छा लगा, बेकार लगा। कितने दिनों बाद खाया? एक महीने से ऊपर हो गया। अच्छा हाँ। चलो दिल्ली से आके खाया ही नहीं। मैंने भी बहुत टाइम बाद खाया। हाँ हाँ ये तो मेरे को बताइए, तूने बहुत टाइम बाद खाया। दो दिन नहीं रह सकता अभी, परब की शैली आई थी वहाँ इतना खाया। अच्छा देखा था, सब देखा था। इतना नहीं खाया, थोड़ा बहुत ही खाया था। तू ही कह रहा था मेरा ठुक ठुक के खा लिया। अब मेरे को पता नहीं कितना खाया। और इधर मैं बैग पैक करने लगा हूँ और कल जाना है। फ्रूट्स मैंने यहीं से ले लिए कि मेरे को फिर वहाँ से ना जब मेरी छुट्टी होती है फिर अलग से दोबारा जाना पड़ता है। मैंने कहा यहीं से लेके चले जाता हूँ। मैं अभी नहाने लगा हूँ कि सुबह उठ के फिर मेरे को बाल ना धोने पड़े, बाल धोने वाले हो पड़ रहे हैं। जिस दिन होली लगाई बच्चों ने उस दिन वहीं पे धोया था मैंने बाल, तो अभी यहाँ पे घर में आराम से फिर धो लेता हूँ तो ये सही हो जाएगा। और मेरा ना एक मन कर रहा है मैं दाढ़ी बहुत ज़्यादा ट्रिम कर दूँ, सिर्फ मूछ मूछ रखूँ पापा की तरह। तो मम्मी कह रही है बेकार लगेगा, मगर मैंने पहले एक रखी थी ये देखो फोटो, आप जरूर बताना कि मैं ये लुक दोबारा रखूं कि ना रखूं। सिर्फ मूछ रखना चाहता हूं, दाढ़ी में बहुत ट्रिम करके, मतलब कि अलग से एक मूछ हाईलाइट हो। और अभी मैं नहाने जाता हूं तो मम्मी यहां पे शुरू करने वाली है। ए? ये देखो अब ये क्या खा रहे हो? डब्बा देखा है आपको, मुरब्बा। चलो मैं भी खा लेता हूँ। ये डब्बा बाहर क्यों निकाल के रखा है? मैंने नहीं निकाला यार, आपने निकाला है। और जी मैं भी मुरब्बा खा लेता हूँ, इतना कुछ खा ही लिया है सुबह से, तो ये भी खा लेते हैं। तो अच्छा होता ये। अच्छा मम्मी नहा लिया है और सिर पे तौलिया रख लिया है, बाल रहे हैं हमारे। आप क्या करने लगे मम्मी? कुछ नहीं करी, टाइम पास। टाइम पास? ये अभी तक टाइम पास चल ही आ रहा, खत्म नहीं हुआ अभी। कहाँ होएगा इतना लंबा चौड़ा होता है इसका पैसे। पीछे का है, दो पल्ले आगे के, फिर बाजू में, अभी तो दुष्परा आ जाऊंगा तब तरह रहेगा। अब मैं 3 अप्रैल के बाद ही आऊंगा है ना, प्रभु को दिखाने के बाद। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम दोनों उठ गए हैं, अभी पी रहे हैं गर्म पानी। ये बाल देखो मेरे करली हो गए, घुंघराव हो जाते हैं ना बाल मेरे। पीछे से देखो दोस्तों ऐसे पूरा करली करली से हो जाते हैं बाल। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते। में गए मेरे बाल? मेरे में। आपके में गए हैं बाल? मेरे ऐसे। आपके बाल तो ऐसे ही रफ रफ जैसे हैं और ही तरह के, मेरे ऐसे थोड़ी, मेरे तो कितने अच्छे। ये देखो तेरे पुले पुले है। और क्या मेरे तो आपका तो ऐसे रहते हैं उजड़ू उजड़ू जैसे। ये देख ले पोछा जैसा लगा होता है। ऐसे क्यों हो गया? पता नहीं, ये शैम्पू शैम्पू कर रहा है पता नहीं क्या। नहीं मैं तो कोई भी शैम्पू उठा के लगा लेता हूँ। मैं भी वही करी जा रही हूँ, मेरे बाल नहीं ऐसा नहीं है।
ये देखिए आज कितना ही टाइम हो गया इनको हमारे घर में आते हुए। लो मम्मी ने गरम गरम रोटी भी बना दी है, रोटी क्या परोठे ही बना दिए हैं। ये देखिए लो क्या बात है। और मम्मी तैयार हो गए नहा धो के मंदिर जाने के लिए। अभी तो पूजा पाठ करूंगी घर में। अच्छा घर में भी करनी है पहले पूजा पाठ। गणपति राखो मेरी लाज, जिसके सिर पर हाथ हो तेरा नाम, तो उसको कैसा डर है, तो उसको कैसा डर है। अब मम्मी मंदिर जाने लगे हैं। बाय बाय मम्मी, बाय। आपके आने तक मैं यहाँ पे हुआ तो मिल लूंगा, नहीं तो फिर मैं 7 बजे निकल जाऊंगा। नहीं तो निकल ही जाएगा मेरे ख्याल से, हम थोड़ी गेड़ा जा काटते हैं ना। अच्छा अच्छा कोई नहीं, फिर बाय 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 बाय, आराम से जाना ठीक है, फोन कर देना। हाँ जी हाँ जी ठीक है, सामान कोई नहीं भूलना, बैग बैग में वहाँ ना भूलना, गाड़ी में नहीं भूलता, नहीं भूलता। और जो भी रखना है अभी। हाँ रख लेता हूँ, चलो ठीक है बेटा, ओके बाय बाय बाय। और देखो दिन भी आ गया है और थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम भी है अभी अभी, मतलब कि पूरा गर्मी शुरू नहीं हुआ, दोपहर में गर्मी लगती है, दिन में तो ठंडा मौसम है। हाँ जी हाँ जी, अभी ठंडा जा नहीं ना रहे, सुबह सुबह ठंडा लगती है। ये कह रहे हमारे प्लॉट में बहुत अच्छे गुलाब के फूल लगे हैं, तुमने तो देखे ही नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं देखने चलता हूँ। फिर उसके बाद तैयार होके निकलता हूँ, 7 बजे बस आ जाएगी, घर के पास ही आ जाती है। इधर आते वक्त दिक्कत होती है, जाते वक्त तो इतनी दिक्कत नहीं है, और टाइम पे पहुंच जाऊं तो अच्छा ही है। ये देखिए अंदर की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाहर भी इतने सारे फूल खिले हुए हैं गुलाब के, और यहाँ देखिए ओहो कितना प्यारा फूल है, और अंदर आते ही खुशबू आ रही है घर के अंदर, है ना। ये देखिए ओहो मम्मी ज़्यादा वेस्ट ना करना, अगर ये गुलाब बचते हैं तो गुलकंद बनाने की कोशिश करना। मेरे से बनता नहीं है ना, बर्बादी हो रहा है, सारे हवा से उड़ जाते हैं। तो मैं मंदिर में हूँ, पूजे पर बैठे होते हैं, पंडित जी को दे देती हूँ दो चार। अच्छा हमारे तरफ से भी हो जाती है पूजा। ओके 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 ओके, ये देखिए सही है। वाली स्टोरी तो बताओ कि आप इसी प्लॉट के बाहर से तोड़ते होते थे फूल। वो तो मैंने बता दिया था, नहीं दोबारा बताइए क्या था वो, दोबारा बताओ। हाँ मैं यहाँ से ना बाहर एक गुलाब का पेड़ लगा पड़ा है, तोड़ा तोड़ा। हाँ जी हाँ, गुलाब का पेड़ लगा पड़ा है, जैसे ये आई दिवाकर की माँ भी वो तोड़ रहे हैं। इनका यहाँ पर रसोई होती थी, दरवाजा खुला होता था ना, वो यहाँ से देखूंगी कोई देखेगा तो नहीं, फिर चुपचाप चार फूल तोड़ूंगी फिर भाजूंगी। बहुत टाइम मतलब 3-4 साल तोड़े भाई मैंने फूल, जो नहीं मारती हूँ 3-4 साल, ज्यादा नहीं इसी प्लॉट के बाहर से तोड़े, ज्यादा नहीं 3-4, 2-3 ऐसी ले जाती थी, कोई मेरे को डांटे नहीं सुबह सुबह किसी के बगीचे में हम फूल तोड़े ना। फिर बाद में परमात्मा ने ऐसा किया, भोले बाबा ने ये मेरा ही नाम कर दिया। हमारा ही नाम किया फिर ही, बिल्कुल बिल्कुल। ये देख ले आम का, देख ले आप, ये पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, भूत देख ले तू लगा। आम का पेड़ देखो कितना बूर लगा हुआ है, इतना बड़ा हो रहा है, विशाल का ही बनता जा रहा है। ये देखिए ये अमरूद भी लगे हुए हैं, चलो लगाई तो मैंने, भिंडी भुंडी है उसे जम नहीं रही है, देखो क्या होता है। कल जो दीपी आई थी ना घर में, ये उनकी मम्मी है, ये है मम्मी। हाय बाय बाय, ध्यान से जाना है, मेरी मम्मी का ख्याल रखना। ओके ओके बाय बाय। घर में भी ठंडी चादर बिछानी शुरू कर दी है, ये देखो बिछा रखी है, अभी इसमें एक बार भी नहीं सोया, मैं दूसरे कमरे में ही सो रहा था, यहाँ पे सोने का दिल ही नहीं किया मेरा। दोस्तों मैं तैयार हो गया हूँ, सिर पे रुमाल इसलिए बांध लिया क्योंकि हवा चलती है फिर बाल गंदे हो जाते हैं, कल रात ही धोए मैंने आपने देखा ही है, और पैंट पहन ली है, नीचे दूसरे नए बूट पहन लिए हैं, और यहाँ से अब मैं इस तरह तैयार होकर जा रहा हूँ। मे बी मैं अगर लेट होता हुआ तो प्रभ को बोल दूंगा, वो वहाँ से फॉर्मल उठा लेंगे, तो मैं फॉर्मल कपड़े पहन लूँगा क्योंकि ऑफिस तो फॉर्मल कपड़ों में ही जाना होता है, तो ये तो घर वाले कपड़े हो गए। और मेरे को लगता है कि मैं डायरेक्ट ही पहुंचूंगा क्योंकि यहाँ अभी 7 बजने वाले हैं और 7:15 यहाँ से बस चलती है, और डायरेक्ट मैं फिर पहुंच जाऊंगा। ये हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो देखो आते वक्त कुछ नहीं था, जाते वक्त फल है,
और ये एक सर है, उनका लैपटॉप है, यहाँ से वहाँ पहुँचा। दोस्तों मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया हूँ, ऑफर ने मेरे को पिकअप कर लिया है बाहर से और मैं घर के कपड़ों में ही हूँ। ये फॉर्मल ये साथ में लाए हैं प्रेस करके और अभी मैं पहनूंगा, अभी गाड़ी में पहनूंगा। अच्छा एडमिशन ब्लॉक जाके वॉशरूम में, वहाँ जाके मैं पहनता हूँ। और ठीक है भाई, पहुँच गया, बिल्कुल टाइम पे पहुँचा हूँ और बस ने बहुत ज़्यादा लेट किया। कम मैं देख लो 7 बजे से निकला हुआ हूँ, एग्जैक्ट 11 बजे पहुँचा हूँ मैं, तो आप हिसाब लगा लो 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 4 घंटे, 4 घंटे में पहुँचा हूँ। तो बस में ये रहेगा, 4 घंटे की ग्रेस लेके चलना पड़ेगा अगर बस में जाना है, है ना। हाय रब्बा, पहले रुको, पहले मेरा सिर दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, गर्मी से एकदम, है ना, चक्कर भी आते ना बस में। और बताइए कैसा रहा आपका दिन? इन्होंने और एक और बताता हूँ, इन्होंने ये नए हैंगर लिए, नए लिए हैं, यहाँ लटकाया था मैं बैठा तो टूट गया। प्रभ कहती आते ही आपने काड़ना शुरू कर दिए, मैंने कहा मेरी गलती है, आपने सीट पे ऐसे लगा रखा है इसको, ऐसे पीछे इतनी जगह पड़ी है, वहां को नहीं लगाया, पीछे जगह नहीं है ना, अरे साइड, ये जगह नहीं है पीछे, ऐसे नहीं लेके आते हम लगा के, लेके आते हैं, मुझे था पीछे सामान पड़ा है, बल पड़ जाएंगे, क्योंकि बल पड़ जाएंगे, बल अब क्या पड़ेगा, रिंकल नहीं पड़ेंगे, अब इसके अंदर पैंट भी है ना, उसको पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, थोड़ा कैमरा ऑफ करके लड़ाई करते हैं। का ये खाने का बहुत दिल कर रहा था तो मैंने बस में से ये लिया और इधर आके पता चलता कि मैंने बहुत खाए हैं, कह रही है। मैं आज भी सुबह यही खा के आई हूँ और परसों भी शाम को खाए थे मैंने। लो फिर खाओ। थैंक यू, फिर मैं ये भी खा लूंगी, मेरे को पता है। और ये मेरे लिए, दोनों के। चलो मैं फ्रूट्स भी लाया हूँ बहुत सारे, बैग से निकाल देते नहीं तो खराब हो जाएंगे। जैसे शक्तिमान अपने कपड़े बदलता है ना, वैसे मैं कपड़े बदलने के लिए जा रहा हूँ। लो जी, फॉर्मल कपड़े तो पहन लिए मगर बूट रह गए हैं, बूट गाड़ी में पड़े हैं, वो वहाँ जाके पहन लेंगे, और कपड़े इस तरह लेके जा रहा हूँ। ये देखो चेंज करके आ गए हैं। आप ऐसे कर सकते हो चेंज? हाँ जी, इसमें क्या है, ये भी प्रभ ने मंगाया था ऑनलाइन ही, शू बैग। और कितना पैकिंग क्या हो गया, कितना संभाला कर? बारे पूछो मत, संभाला भी बहुत है, अभी पड़ा भी बहुत है। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, अभी मम्मी का भी फिर वो साथ साथ हो रहा है ना, तो वो भी सेटिंग, मम्मी के कमरे में अलमीरा सेट नहीं बैठ रही। अच्छा हाँ। जो अपने अलमीरा था उधर दे दी वो? हाँ। चलो बढ़िया किया। अब वहाँ दो अलमीरा की जगह नहीं है, एक की है, कमरा छोटा है वो। हाँ। तो वो सेटिंग ही नहीं बैठ रही बेड के साथ, तो फिर अब फिर आज मम्मी कुछ हिलाएंगे, दूसरी अलमीरा को फिर पीछे करेंगे ओपन एरिया के साइड में। तो वो अभी कह रहे थे कि अभी मैं नहीं करती कि बारिश वगैरह, फिर मैंने कहा अभी शेड लगवानी है वहाँ, यहाँ पर रख लो, देखेंगे फिर। ये देखो शूज पहने जा रहे अब, पिच पिच फॉर्मल, शर्ट इन नहीं करी आपने, मोटे लगते हो। कहाँ से कर लेता, अभी मैं जल्दी जल्दी बस आया हूँ, अभी बूट पहन लिए, जल्दी आए, बूट पहन लिए थे तो ये तो वॉशरूम। अरे मैंने एक साथ ही करूंगा ना, जब सेट हो जाऊंगा, बूट पहन लिए अब कर लूंगा। अब कैसे फिर से जाओगे? अभी बैग लेके भी जाना उधर को, फिर आराम से करूंगा। ये बहाने, अरे जान के नहीं किया, देखा लोग गुस्सा मत करो। लो जी कर लिया टक इन, ओके हो गया पूरा फॉर्मल वाला। हां जी, 2 मिनट सांस नहीं लेने दिया, चक्कर भी आ रहा है बस से उतर के। चलो काम काज भी कर। दिन भर में सोशल मीडिया का काम करने के बाद मैं ना थिएटर क्लासेस भी लेता हूँ, तो ये थिएटर क्लासेस चल रही है। अरे वाओ, मेरी अलमारी कुछ इस तरह सेट की गई है, और मेरी अलमारी में भी खुद के कपड़े, खुद की चीजें घिसोड़ दी गई हैं। ये सामान यहाँ पे क्यों रखा, अपनी जगह पे क्यों नहीं रखा? मेरी अलमारी में जगह नहीं थी। इतनी खुली अलमारी होने के बावजूद तुम्हारी अलमारी में जगह नहीं थी। ये लो जी, ये मेरी शर्ट्स हैं, ये मेरी पैंट्स हैं, ये टी शर्ट्स हैं, ऐसे इन्होंने चीज़ें रख दी हैं। ये टी शर्ट्स, ये नाइट ड्रेस, ये लो, ये मेरे कोट पैंट, तो ऐसा सेट कर दिया इन्होंने। और यहाँ पे क्या है? अरे वाह, क्या बात है, सेटिंग सेटिंग पसंद आ गया? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, मेरी अलमारी देखो और इनकी अलमारी देखो,
इतनी खुली अलमारी होने के बावजूद कुछ सामान नहीं बचा यहाँ पे रखने के लिए। नहीं अभी ये साड़ियाँ, ये खाना खाली हो जाएगा अभी। हाँ। ये साड़ियाँ यहाँ चली जाएंगी हैंगर्स में। हाँ। तो ये खाना खाली होगा। हाँ। तो इसमें मेरे जो और टॉप्स वगैरह भी हैं जो नॉर्मली पहनती हूँ, अभी तो कुछ नहीं फिट हो रहा, वो सारे इधर आ जाएंगे। चलो बढ़िया, तो इन्होंने इतने छुट्टियों में ये काम किए हैं। ओ तेरी, इतना सामान। हाँ जी। प्रभजोत, और ये देखो। ओ तेरी, और बहुत चौड़े चौड़े हैं दोस्तों। हाँ। ये बॉक्स नॉर्मल नहीं है, दो दो फुट के हैं ये। हाँ। ये हो गया, अब ये देखो। और ये सब भर गया है, सब भर गया। सामान तो अंदर है, ये बाहर क्या पड़ा है इतना सामान? ये मेरे डांस के कॉस्ट्यूम्स हैं ये। हाँ, ये कहाँ जाएंगे? ये सारे ऊपर जाएंगे इधर में। ओके। हैंडी रहेंगे ना फिर, मतलब जब कभी जरूरत होगी। ये बैग इसीलिए लिए हैं, इनमें पैक करके सॉर्ट करके रखेंगे, फिर यहीं से निकाल सकते हैं। ये देखो, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें क्या तैयार हो रहा हूँ? बाल लो, मैं कंघी मार रहा हूँ। तो तैयार ही हो रहे हो? तैयार हो रहा हूँ। ये रिलैक्स से कपड़े पहन के जाने लगा हूँ वापस यूनिवर्सिटी, थोड़ा काम वाम करवाना है, तो दिखाता हूँ मैंने क्या करवाना है। हमारा यहाँ पे अब सेट रखा जा रहा है, ये देखिए। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे हैं, ये ललित भी है, सारेन भी है, सभी है। मांशु प्रधान, असिस्टेंट प्रधान, ओहो ऑफिसर प्रधान, ओहो कोरियन एक्टर, ओहो देखो कहाँ है। ये भाई लोग खेलने लगे हैं क्रिकेट यहाँ पे, वो देखो इतने सारे लोग फील्डिंग में। ओहो बैट्समैन हिमांशु आउट, टू स्टेप कैच है सर, गुड गुड, ओए आउट, वन टी वन हैंड आउट है। नाटक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं सेट है, और ये देखो ये स्टूडेंट है आदित्य, सभी के कॉस्ट्यूम्स जो भी प्रॉपर्टी है उसको अलग अलग डब्बों में पैक कर रहा है कार्टन में, कि कुछ भी गुम ना हो। और ये सेट भी हमने बड़े ध्यान से लेके जाना है यहाँ से, और नेशनल के लिए जा रहे हैं, तो बेस्ट विशेज सभी दे देना। रात के 12 बज गए हैं और ये अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। हमको बोला आधा घंटा के काम है और 12 बज गए और घर में बैंड बजेगा अभी। तू ही लाइट देख रहे हो? हेलो गाइस, लेट नाइट रिहर्सल्स। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस, दिस इज माय गाइस। ट्रैक्टर ने 2 घंटे का काम बोला था। अच्छा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, वैसे मुझे 3 घंटे में ऑफिस। अंकल, अंकल सुनिए। बोलो क्या था आपने? 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीवार है, इसे पेंट करना है, और 2 घंटे में कीजिए, मुझे बहुत काम है। ये रहा रंग, ये रंग मुझे बहुत है ढूंढते भी। और जब दिन ढलने को था, समंदर का तूफान समंदर को लौटा दिया। अब रात गिरने लगी तो तू मिला है, तू भी उदास। इतनी रात को नाटक की लास्ट रिहर्सल कर ली है, और ये जो आप सेट देख रहे हो ये सारा ड्रम से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। और इस नाटक के जो डायरेक्टर हैं वो क्रांति पाल जी हैं, उनकी क्रिएटिविटी है ये, उन्होंने सोचा कि किस तरह ये चीज़ों को हम बना सकते हैं। और ये हिमांशु सर, ये मधुर, ये देखो कैसे पंगे लेने लगे हुए हैं। बादल, लव, आदित्य, ओहो ये अपने आप में गुफा है भाई। शरीर को लोहा, प्लास्टिक, रद्दी की चेन, कप, प्लेट से भी ढका जा सकता है। सुबह 4 बजे आया भी नहीं है।
फुल टाइट सर। पसीना क्यों आएंगे तो कुछ नहीं किया, पसीना सूख गया, इतनी मेहनत कर दी पसीना भी सूख गया। इतनी रात को घर जा रहा हूँ और इतना ट्रैफिक हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या हो गया आगे, मे बी कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ और चक्कर हो सकता है, अभी आगे जाके पता लगेगा। बहुत ट्रैफिक हो गया, देखियो तो सही, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ये कोई चक्कर है यहाँ पे, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कहीं से भी गाड़ी आ रही है, मैंने पहली बार देखा है इस साइड इतना ट्रैफिक के। तो ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो ये देखो ट्रैक्टर किस तरह इस साइड घुस गया है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पे हो रहा है। बाकी कोई धार्मिक यात्रा भी है, ये सभी झंडे लगा के जा रहे हैं, पर अब तो गहरी नींद में सो रही है, मेरे को देख के नोबिता उठ गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।